राधे राधे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। एक्चुअली आज है मेरे बेटे का बर्थडे और मैं बना रही हूँ यहाँ पर खीर, क्योंकि बर्थडे में तो खीर बनेगा ही। हालांकि मेरा बेटा पसंद नहीं करता, वो बिल्कुल भी नहीं खाता है, वो बस टच करके छोड़ देगा, फिर भी बनाना तो है ही। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल सात्विक तरीके से भोजन बनाया है और ठाकुर जी को भोग लगाया, और उसके बाद मैं इसे अपने बेटे को दूंगी एज अ लंच। वो मतलब लंच में वो ये प्रसाद ही खाएगा। और हम लोग खाना खिलाने से पहले ऐसे आशीर्वाद करते हैं धान और दुर्वा से, तो जितने भी उसके बड़े हैं वो सब लोग उसे आशीर्वाद किए। मेरे मम्मी पापा ने भी किया, बट मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मी जल्दी से करके चली गई, और उसको फ़िलहाल घर वालों से जितना गिफ्ट मिला था वो उसने बगल में सजा लिया है। इस दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं। मुझे याद आता है अपना बचपन, मैं भी बचपन में ऐसे ही किया करती थी। तो यहाँ पर आज मेरा बेटा खुद से ही खाना खाया, और शाम को हमारी पार्टी थी तो हम लोग चले गए पार्टी में। मतलब बर्थडे पार्टी हम लोग इस बार घर में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर में ना कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब साफ़ सफ़ाई करना इतना मुश्किल हो जाता है, और रेस्टोरेंट में अच्छा मिल रहा था तो हम लोग वहीं पर कर दिए, और सामने में ही था, किसी को आने जाने में भी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो इस बार हमने लाया था 2 केक, और उसी को मेरा बेटा कट करने वाला था। उसे एक्चुअली हैमर केक चाहिए था, और हैमर केक इतना नहीं होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल हो जाए, वो 1 पाउंड का होता है, तो हमें ज़्यादा चाहिए था। तो केक कट अब होने के बाद सबसे पहला काम मेरे बेटे का होता है कि उसमें का जो फर्स्ट पीस है या हाथ में कुछ लगा हुआ रहे तो वो सबसे पहले अपने मुंह में ही घुसा लेता है। इसी वजह से हम लोग 2 केक लाए थे कि हैमर केक छोटा रहेगा, वो आपके लिए, वो आप खाते रहो, और बड़ा वाला जो केक है वो हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाती है ना। हालांकि और सब बच्चे ही थे तो बच्चों को अगर केक ना मिले तो अच्छा तो नहीं लगता। हम लोग जो भी बर्थडे पार्टी अपने बच्चे का करते हैं तो उसमें सिर्फ बच्चों को ही बुलाते हैं, और जो भी 2-4 बड़े लोग आपको दिख रहे हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं। क्योंकि हम लोग बच्चों को इसलिए बुलाते हैं ना कि बच्चों की गैदरिंग हो जाती है तो बच्चे बहुत अच्छे से डांस वगैरह करते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, एक थोड़ा सा चेंजेस मिल जाता है उनको इस वजह से। और ये सभी जितने भी बड़े दिख रहे हैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, देखिए चटोरे की तरह खा रहा है, और मेरे पापा, बहुत ज़्यादा चटोरा है ये, इसको किसी से मतलब नहीं, बस खाना खिला दो। ये चाचा चाची हैं मेरे, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स हैं, विदाउट फैमिली मेंबर्स सिर्फ बच्चे ही थे। और ये मेरा भाई है, वो चाचा चाची थे उनका बेटा, और बगल में दादी हैं और उधर बगल में दादाजी हैं। और ये भाई जो है ना, ये दोनों भी मेरे भाई हैं, और जो ये मरून शर्ट में है ये उस मौसी का बेटा है जिसके बारे में आप लोग देखे थे कि मौसी अब नहीं रही, तो उन्हीं का बड़ा बेटा है, ये भी आया है बर्थडे के लिए। और ये मेरे भाई के फ्रेंड्स हैं सभी, उसके मामा, और ये जो उस मेरे बेटे के पीछे खड़ा है ये मामा उसका फेवरेट है। मैं उसे कहती हूँ कि तुम लॉकेट बना के रख लो इन मामा जी को अपने साथ, क्योंकि इनके सिवा तो तुम्हारा चलता नहीं है। आई होप आपके घर में भी जब बर्थडे पार्टी होती होगी, स्पेशली अपने बच्चे की या किसी भी, मतलब अपने घर में किसी बच्चे की, तो आप लोग भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते होंगे। और खाना वाना खाने के बाद हम सब घर आ गए थे। थैंक यू।